नमस्कार सुनील जी। नमस्कार। अभी हाल ही में एक तीन महान कलाकारों की फिल्म रिलीज हो गई, जैसे थिएटर से कपिल जी का एक फिल्म आई थी सुविगाटो, और ओटीटी से जॉनी भाई की फिल्म आई थी, और राजू भाई की ओटीटी फिल्म से आई थी कंजूस मक्की चूस। सुविगाटो पॉपकॉर्न, हाँ सुविगाटो पॉपकॉर्न और राजू भाई की कंजूस मक्की चूस। यस, तो इस फिल्म के बारे में आप कुछ बता सकते, मतलब क्या कहना चाहते हो? भाई देखो, शुरुआत तो मैं करूंगा सुविगाटो से। अच्छा, कपिल जी। कपिल शर्मा जी मेरे फेवरेट, बहुत ही फेवरेट कॉमेडियन है, जबरदस्त कॉमेडियन है। कपिल, लव यू कपिल, बहुत बढ़िया कॉमेडियन है आप। और सुविगाटो फिल्म जो है, मुझे लगता है कि ए क्लास की फिल्म है, ए टू जेड। अच्छा, ए क्लास की फिल्म और जेड से शुरू होती है सुविगाटो, ए टू जेड एंटरटेनमेंट, उसमें ए टू जेड फिल्म है। तो मुझे लगता है कि इसको ए टू जेड अवार्ड मिलेंगे कपिल जी। हाँ, मुझे मतलब मैं समझ कि इसको नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए। अच्छा, इंटरनेशनल अवार्ड मिलना चाहिए। क्या बात, इसमें ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। अच्छा, और भी कोई अवार्ड, तो सारे इसको मिलना चाहिए। अच्छा, ऐसा मुझे नंदिता दास ने बोला है। नंदिता दास जी ने बोला? हाँ, अच्छा। उनको लगता है कि ये सारे अवार्ड उनको मिलने चाहिए। नहीं नहीं, ये तो उन्होंने बोला, आप क्या कहते हो फिल्म के बारे में? मतलब मैं समझता हूँ कि जैसे हमारी नंदिता दास जी है, वो ऐसी और भी फिल्म बनाती रहे, है ना, सुविगाटो जैसी और भी फिल्म बनाती रहे, और मतलब कपिल जी को लेके ही, कपिल को ले ले या किसी को भी ले ले, आठ फिल्म है, आठ की इज्जत करनी चाहिए। हाँ, आठ की इज्जत करनी चाहिए, समझे? सुविगाटो फिल्म जो है, समझे तुम ऑटो वाले क्या समझे सुविगाटो? हाँ, अच्छा ठीक है, कपिल भाई की फिल्म तो हमने देख ली और बढ़िया मजा भी है। अब मैं समझ रहा हूँ कि हमारे जॉनी भाई के बारे में कहूँ, पॉपकॉर्न, तो ये फिल्म कैसे, ये वेब सीरीज कैसे लगी, जाना चाहते हो ना? हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ ना, जॉनी भाई की जो वेब सीरीज आई है ओटीटी पे, तो कैसी लगी आप? पॉपकॉर्न खाओ खुद जान जाओ। अच्छा, मजा। मैं ये कह रहा हूँ कि पॉपकॉर्न मतलब कि बाप कौन, तो भैया कॉमेडी का बाप, यस, तो पूरी दुनिया जानती है जी, पूरी दुनिया जानती है। नहीं नहीं, कि द वन एंड ओनली जॉनी लीवर इज अ फादर ऑफ कॉमेडियन, कॉमेडी है ना, कॉमेडी का बाप ही बोलो, कॉमेडी का बाप जॉनी लीवर है जी, बाकी तो फिर पाप। नहीं नहीं, वो ठीक है, वो समझ गए, वो पाप है, बाकी सब पाप पाप है, गुनाह है। तो क्या लग रहा है ये फिल्म? नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि जो पॉपकॉर्न जो है, इसमें डायरेक्टर को मैं कमाल का धन्यवाद देना चाहूंगा। अच्छा, उन्होंने बोला कि 20-25 साल से, 10 साल से जो लोग सोशल मीडिया नहीं देख रहे ना, यूट्यूब नहीं चला रहे, व्हाट्सएप नहीं चला रहे, और बाकी तो उसके जो जोक्स आप लोगों ने मिस किए ना 10 सालों में, फॉरवर्ड जोक पढ़े नहीं, फिर सुने नहीं, किसी को भेजे नहीं, आप ये पॉपकॉर्न देख लो, आपको उन 10 सालों के सारे जोक उसमें मिलेंगे आपको। अच्छा, हाँ, एक से बढ़कर एक जोक है ना, ब्लॉगर से लेकर वल्गर तक सब मिलेंगे आपको, है ना, डबल मीनिंग, सिंगल मीनिंग है, मीनिंगफुल फिल्म है, फुल मीनिंग है, पॉपकॉर्न। और हमारे कौन पॉप किया पता नहीं। और हमारे ग्रेट स्टैंड अप कॉमेडियन और एक्टर मिस्टर राजू श्रीवास्तव जी, जो आज हमारे बीच में नहीं है, तो उनकी जो फिल्म रिलीज हुई है जी, कंजूस मक्की चूस, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई राजू भाई के लिए मैं यही कहूंगा कि भाई देखो, ऐसा है कि हमेशा हंसी रहेगी आजू बाजू, जब भी हम मुंह से याद करेंगे एक ही नाम राजू, राजू है ना, हंसी बिखरेगी इधर उधर जब हमारे याद आएंगे गजोधर। क्या बात। और भैया कंजूस मक्की चूस में तो छाए हुए वो, हालांकि हमने प्रोड्यूसर से कहा था कि इस फिल्म का एक प्रीमियर रखो और हम सब दोस्तों को बुलाओ देखने के लिए, सही बात, लेकिन उसे एक रुपए खर्चा नहीं किया, तभी मैं समझ गया कि फिल्म का नाम कंजूस मक्की चूस क्यों है। मुझे लगता है प्रोड्यूसर की वाइफ ही गए कंजूस मक्की चूस। अच्छा, मुझे लगता है जितने भी जो कंजूस होते हैं जी, वो शुद्ध मांसाहारी होते हैं। तुम भी कंजूस हो तो तुम मांसाहारी हो? नहीं, मैं मांसाहारी नहीं हूँ, मैं शाकाहारी हूँ। अरे जो आदमी मक्के तक चूस के खा जाता है मक्की चूस, वो कंजूस वो शाकाहारी कैसे हो सकता है? क्या बात है। अच्छा, एक और फिल्म आई है भीड़, भीड़। अच्छा, राजकुमार राव जी। हाँ, राजकुमार राव की भीड़ फिल्म जो है, इस फिल्म से मैं समझता हूँ कि पूरे बॉलीवुड ने बहुत जबरदस्त कदम उठाया है।
बॉलीवुड ने साबित कर दिया कि भैया थिएटर में भीड़ कैसे नहीं आ सकती। थिएटर में हम भीड़ ला के रहेंगे, थिएटर में भीड़ आएगी आएगी, और फाइनली थिएटर में भीड़ आ गई। अच्छा आ गई, मैंने देखा नहीं, आ गई थी। हाँ थिएटर में भीड़ है। अच्छा फिल्म, अच्छा फिल्म थिएटर में भीड़ है। अच्छा और मैं अकेला था। अच्छा पूरी थिएटर में इधर भीड़ इधर लीड, उधर क्राउड इधर प्राउड, क्या बात है, उधर जनता इधर जनता। लेकिन भैया सुनो, मुझे ऐसा लगता है कि वो पूरी फिल्म देखते हो तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लॉकडाउन पे फिल्म है ना, मुझे लग रहा था कि यार लॉकडाउन अभी भी चल रहा है, लेकिन आजूबाजू कोई था नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ बार बार धो रहा था मैं, अपना मुंह छुपाने का दिल कर रहा था मुझे, मास्क मास्क लगाने का दिल कर रहा था, क्योंकि फिल्म में मास्क थे ना, उधर ही मास्क था इधर नहीं था। जब फिल्म खत्म हुई, जब मैं थिएटर से बाहर निकला, ऐसा लग रहा था जैसे क्वारंटाइन से बाहर निकला हूँ। अच्छा वो भी 14 दिन के। बड़ी अच्छी फिल्म है भीड़। तो भैया ऐसा है कि इस टाइप की फिल्म अभी और आती है, एक फिल्म अजय देवगन की आ रही है। अच्छा वो भोला। हाँ अजय देवगन की आवाज सुना, तुम तो सुना थी ना, कभी कभी भाई ये सोचता हूँ इस दुनिया में अगर सरदार नहीं होते तो क्या होता। आपको तो पता है सरदार नहीं होते तो क्या होता, क्या होता। हाँ सरदार नहीं होते तो भैया हमारे देश में एक से बढ़कर एक योद्धा योद्धा। सरदार के बारे में तो मैं कहता हूँ कि सरदार वैसे मनमोहन जी है, पर देश में बात आ जाए तो हर सरदार फौजी है। सही बात। तो भैया जो हमारा भोला जो फिल्म है, मुझे लगता है अजय देवगन ने जैसे कि धाने धाने में केसर का दम, तुमने कहा पहले तू केसर खाता था, मसाला खाता था, कहीं तम्बाकू ना खाने लगे हो। तम्बाकू मतलब भोला। अच्छा भोला तम्बाकू 320 समझो मेरी 420। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि यार ये जो जो भोला फिल्म है ये अजय देवगन इसमें डायरेक्टर है जी, तो डायरेक्टर तो अजय देवगन कभी बन ही नहीं सकते। क्यों? वो तो एडी है ना। अच्छा अजय देवगन। हाँ हाँ एडी मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर। वो डायरेक्टर बन ही नहीं सकते, लेकिन कोशिश करने में हर्ज नहीं है। भोला जो है हम देखे जाएंगे, जैसे भीड़ को देखने के लिए हम ऐसा लगे जैसे भाड़ में मत जाओ भीड़ देखने जाओ। सही बात। वैसे ही भोला देखने जाओ भले वो भाला लगे। सही बात। लेकिन दर्शक जो है भोला भाला है। सही। जरूर देखेगा। तो मुझे लगता है कि इन सारी फिल्मों को शुभकामनाएं है, अच्छी अच्छी फिल्में बनती रहे। सही बात। अच्छे अच्छे आते रहे है? और ऐसे हीरो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बनते रहे। हाँ तो भैया बॉलीवुड जिंदाबाद, राजू श्रीवास्तव जिंदाबाद, जॉनी लीवर साहब जिंदाबाद, कपिल शर्मा साहब जिंदाबाद, अजय देवगन जिंदाबाद। एक और फिल्म आ रही है। कौन सी रे? गाली गलौज। लगता है मुझे इसको कुछ देना पड़ेगा। हाँ, जो मैं इसे गाली गलौज देख के आता हूँ। चलिए चलिए चलिए।